या तो रिस्पोंडेंट लिख देना है, हाँ रिस्पोंडेंट लिखना है, या फिर वो टिक कर देना है, टिक होता ना ओके टिक, ओके या अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर क्रॉस, मतलब इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, ठीक है सर। या फिर एक काम करेंगे, मतलब करेक्ट लिखने, या तो करेक्ट करेक्ट लिख देंगे, रॉन्ग लिख देंगे। मतलब मान लीजिए अगर हम, मैंने आप किसी से कुछ पूछा, उसने करेक्ट आंसर दिया, तो उसमें लिख देंगे करेक्ट, CORRECT। ठीक है, जिसने गलत आंसर दिया, मतलब रिस्पॉन्स दिया लेकिन गलत दिया, तो उसमें लिख देना है रॉन्ग आंसर। और जिसने कुछ बोला ही नहीं, उसमें नॉट रिस्पॉन्डेड। ठीक है, ओके तो पहला है वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाना है। सब सब लोग सुन रहे हैं ना, एक्टिव से पैसिव बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है कि आई एम ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, ये बोलेंगे मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार बोलिए। हाँ, हेलो बोलिए, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस? मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी ईटिंग बाय मी मैंगो, मैंगो, फिर से बोलिए, मैंगो। हाँ, मैंगो हेलो बोलिए, मैंगो। हेलो ए मैंगो इज इटन बाय मी मैंगो इज इटन बाय मी। यस सर। गलत हो गया। मैंगो इज इटन बाय मृत्युंजय मी कुमार गलत बोल दे। निकू सिंह, यस सर निकू, हेलो हाँ निकू सिंह। मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी होगा सर। तो आपका टाइम अप हो गया। बीइंग पहले बोले थे सर, आवाज तक मतलब कट गया था, दूसरे बार में गलत हो गया। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। अब हम अगर ऊंची आवाज में आपको क्या बोले क्या बोले, तो आप अपना डिजाइन चेंज थोड़ी ना करेंगे, ऐसा होता ओके सर ओके हाँ है। चलिए, मतलब सही बोले थे क्या? क्या बोले? मैंगो ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी बाय। हाँ, तब ठीक है। दूसरा, आई हैव प्लेड टेनिस, ये बोलेंगे निकू सिंह। यस बोलिए, आई हैव प्लेड टेनिस, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट। इसका कैसे बनेगा एक्टिव टू पैसिव? पैसिव कैसे बनेगा? टेनिस हैज बीन प्लेड बाय मी टेनिस हैज बीन प्लेड बाय मी साउंड वहां बढ़ाना दीजिए उनको, एक मिनट। टेनिस हैज बीन प्लेड बाय मी हैव बीन हैज टेनिस, बीन प्लेड बाय मी अच्छा हैज जी सर हैज बीन प्लेड बाय मी मी। चलिए ठीक है, राइट राइट आंसर। अब है आई सिंग ए सॉन्ग, ये बोलेंगे प्रभात।
आपका नंबर आ गया। यस अ सॉन्ग sung by me, a song sung by me, a song sung by me, sir. सही है ये, maybe sir. आप अपना नाम के आगे लिखिए रॉन्ग आंसर। ठीक है सर, लिख लिए सर। हाँ, अब नेक्स्ट इसी का आंसर करेगा कौन? पूनम कुमारी। आई सिंग ए सॉन्ग का पैसिव वॉइस, ये सिंपल प्रेजेंट है सबसे पहला, इसका बताइए क्या होगा पैसिव वॉइस? सिंपल प्रेजेंट, पूनम, रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप प्रभात, पूनम का भी रॉन्ग लीजिए। हाँ रुद्र प्रताप, नहीं गलत हो गया, आपका सुन लिया गलत, रुद्र प्रताप, आर यू डी आर ए। हाँ बोलिए, मैं बोल रही हूँ, बोलिए बोलिए। सिंग ए सॉन्ग बाय मी, हाँ चलिए रुद्र प्रताप, संग संग रुद्र प्रताप, अब बोलिए। रुद्र प्रताप आर यू लिसनिंग टू मी? रुद्र प्रताप है कि गया सर? है हाँ, हाँ बताइए। आई सिंग अ सॉन्ग पैसिव वॉइस, रुद्र प्रताप पैसिव वॉइस बताइए। आई सिंग ए सॉन्ग, नहीं होगा, नहीं हुआ, चलिए लिख दीजिए, नॉट अटेंड। सचिन सिंह, सचिन सिंह। यस सर बोलिए, बताइए इसका पैसिव वॉइस बताइए। क्या फिर से क्वेश्चन कीजिए? फिर से क्वेश्चन, आप कहाँ थे सर? यहीं पे थे, आवाज साफ नहीं आ रहा है सर। आई सिंग ए सॉन्ग, ये देखिए सामने स्क्रीन दिख रहा आपको? जी ये दिख रहा ना जी, आई सिंग ए सॉन्ग, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। I sing a song. If बताइए, a song is, sorry, a song is, singed by me. Song is Sujay. सुजॉय बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? आई सिंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा सुजॉय? आई सिंग ए सॉन्ग, सुजॉय हेलो सर, सुजॉय सुजय, सुजय हेलो, सुजय बोल रहे हैं? हेलो सुजय बोल रहे हैं? सुजय, सुजॉय आवाज नहीं आ रही है सुजॉय को। नेक्स्ट इज सुषमा हसदा, सुषमा हसदा है? यस सर।
हाँ इसका पैसिव वॉइस बताइए, आई सिंग ए सॉन्ग। सॉन्ग इज सिंग बाय मी। वाह लिख दो रॉन्ग। बाप रे बाप, इसका 1 2 3 4 5 6 हो गया। नेक्स्ट है सर हम आदित्य, नहीं हम पूछ रहे हैं आदित्य कुमार। आदित्य यस सर यस, बताइए इसका क्या होगा। ए सॉन्ग इज सिंगिंग बाय मी। हे भगवान, लानत है लानत है। वासुदेव वासुदेव बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो पहले बोल चुका कुछ नहीं बोलेगा। वासुदेव वासुदेव सर वो बोल रहा है कि आवाज नहीं आता है, आवाज कट कट के आ रहा है मेरा, हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा बिलगोद सोरेन। यस सर। हाँ क्या है इसका पैसिव वॉइस। अ सॉन्ग इज संग बाय मी। वाह वेरी गुड सर, बहुत आसान था लेकिन। बहुत आसान था, हम तो आसान कुछ की दिया ना, हमको लगा कि बहुत आसान है। हमको सर मेरा इंग्लिश छूट गया था सर, इंग्लिश बोलना छूट गया था, इंग्लिश बोलना छूट दिया, इंग्लिश छूट गया था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 9th person। हाँ अब जो है आई प्लेड, नहीं आई कार, मतलब मैंने एक कार खरीदा, ये है आपका सिंपल पास्ट। ठीक है सिंपल पास्ट, और इसका आंसर देंगे धनी राम। ये धनी राम सिंपल पास्ट है। अ कार वाज बाउट बाय मी। कार वाज बॉट बाय मी, वाह वेरी गुड। चलिए अब पांचवा है आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये बोलेंगे हमारे मिस्टर ग्लेडविन। ग्लेडविन आई एम वॉचिंग अ मूवी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। आई एम वॉचिंग अ मूवी, ग्लेडविन आर यू देयर। नहीं है सर मीटिंग में। मीटिंग में नहीं, अभी तो था, भाग गया क्या। अभी तो नहीं है सर। मार्टिना आर यू देयर, कौन सा टेंस है ये। आई वॉच अ मूवी कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है। सिंपल पोजीशन। जगन्नाथ कौन सा टेंस है। सिंपल पोजीशन हो गया सर। क्या भूल गए सर। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल टेंस है ये। कौन सा टेंस है। भूल गए कौन सा टेंस है। हाँ अरे बहुत सिंपल है, पता ये बोल रहा है तो भी नहीं पता चल रहा है इसको। सिंपल सिंपल विशाल ये कौन सा टेंस है। अच्छा विशाल को नहीं आवाज आ रहा है। विशाल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका कैसे बनेगा आई वॉच अ मूवी का। ए मूवी उसके बाद वॉच बाय मी, वॉच होगा सर। सिंपल प्रेजेंट में ही सबसे ज्यादा परेशानी है
सर ए मूवी इज वॉच्ड बाय मी। कौन बोल रहा है? सचिन। सचिन बोला सर। सचिन बोल दिया। मूवी ए मूवी इज वॉच्ड बाय मी। वॉच्ड बाय, ठीक है चलिए कोई बात। अब जो है You can play guitar, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होगा इसका? You can play guitar, guitar खेल सकते हैं। बता देंगे, जैसे हमें बात को बता लेंगे। आप गिटार बजा सकते हैं। ये बताएंगे कौन? पूनम। पूनम बोलिए से क्या बनेगा? सचिव पूनम, इसका क्या बनेगा? पूनम, पूनम कुमारी। यू कैन प्ले गिटार। कल ही तो बताया है। नहीं हुआ? नो सर। दूसरा भी आपका नहीं हुआ। रुद्रा। रुद्र, रुद्र रुद्र आवाज आ रही है? रुद्र आवाज नहीं आ रही है क्या? जो है किनका माइक ऑन है भाई, ऑफ कीजिए। सुजॉय, सुजॉय भी नहीं है क्या? है तो सुजॉय, आवाज नहीं आ रही लगता। आदित्य, आदित्य कुमार। यस सर। बताइए इसमें क्या होगा? नहीं होगा। हम ट्राई करेंगे। यू बोलिए। हम ट्राई करें सर। नहीं रुके ना, पूछ रहे आदित्य। नहीं हुआ सर। यू का तो यू ही रह जाएगा, लेकिन कैन का नहीं समझ में आ रहा क्या लगेगा। बात सर, गिटार कैन बी प्लेड बाय यू। बस गिटार ऑक्सिलरी वर्ब सर्कल पर है। बस प्लेड बाय यू। अच्छा एक और चीज है, पुलिस विल अरेस्ट हिम। ये देखिए ये बढ़िया है, पुलिस विल अरेस्ट हिम। इसका कैसे? बिलगोद, बिलगोद सोरेन से बनेगा इसका।
पुलिस विल अरेस्ट हिम। बिलगोर सोरेन आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो आ रही है। बिलगोर सोरेन अच्छा कोई छूट रहा है क्या? किसी का नाम छूट रहा है क्या? कोई अभी तो नहीं ऐड हुआ है। बिलगोर सोरेन आवाज नहीं आ रही है। इसका यस सर इसका कैसे बनेगा? शी विल बी अरेस्टेड बाय पुलिस। ही विल बी अरेस्टेड। अरेस्ट जो होता है ना वर्ड अरेस्ट, यस अरेस्ट सर पुलिस ही करता है ना, है ना? हाँ अरेस्ट पुलिस ही करता है, तो यहाँ पुलिस हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है बाद में। ओके ही विल बी अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ तो अंडरस्टूड है कि पुलिस ही उसको अरेस्ट करेगा। जैसे अगर डॉक्टर की बात करें कि डॉक्टर उसको एग्जामिन करेगा, है ना, होता है ना। तो जैसे ये लिख देते हम डॉक्टर is examining the patient। हाँ इसका कैसे बनेगा? कौन बोल रहे थे अभी? धनी यस सर हाँ बोलिए इसका कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर वाला बना ना पुलिस विल अरेस्ट हिम का ही विल बी अरेस्टेड, वैसे ही इसका भी बनेगा। क्योंकि एग्जामिन कौन करेगा? पेशेंट की बात हो रही है यहाँ। हाँ पेशेंट की बात हो रही है और डॉक्टर का भी है, तो कैसे बनेगा इसका? कोई बता सकते हैं क्या? यस सर द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड। द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड। बस सर पेशेंट आ गया ना। अब मान लीजिए कि अगर होता क्या, डॉक्टर इज एग्जामिनिंग राम, मतलब डॉक्टर राम को एग्जामिन कर रहा है, तो तब यहाँ डॉक्टर लिखना पड़ता है। क्योंकि पता नहीं था ना कि अब जैसे यहाँ पेशेंट जब आ गया तो पेशेंट को तो डॉक्टर ही ना चेक कर रहा होगा। हाँ तो इसलिए डॉक्टर लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में भी बायो लिखना जरूरी नहीं है? गिटार नहीं नहीं जरूरी है। यू कैन प्ले गिटार, अब ही कैन प्ले गिटार होता तो गिटार कैन बी प्लेड बाय हिम बाय हर बाय मी, इसमें तो जरूरी है इसमें। लेकिन ये जो चीज है देखिए, पुलिस विल अरेस्ट हिम, अरेस्ट तो पुलिस ही ना करता है। पुलिस के अलावा कोई अरेस्ट वर्ड कहीं आता है? अरेस्ट तो पुलिस ही करता है, किडनैप तो नहीं कर रहा ना। हाँ किडनैप अगर होता तो कुछ और होता है, या फिर अगर मान लीजिए कुछ और होता, लेकिन अरेस्ट पुलिस करता है। वैसे ही डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है, तो पेशेंट को कौन एग्जामिन कर रहा होगा? डॉक्टर ही कर रहा होगा, है ना। इसमें समझने वाली बात है, यहाँ पर बाय द डॉक्टर नहीं लिखना है। हाँ वैसे ही अगर ये होता डॉक्टर इज एग्जामिनिंग श्याम, इसको कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते बाय द डॉक्टर, ये होता। क्योंकि अगर यहां सिर्फ ये लिख के छोड़ देते कि श्याम इज बीइंग एग्जामिन्ड, तो हम लोग को पता चलता कि क्या चीज का मतलब क्या चीज का टेस्ट हो रहा है, उसका परीक्षा वाला टेस्ट हो रहा है कि डॉक्टर वाला टेस्ट हो रहा है कि उसका पेशेंस का एग्जाम हो रहा है, क्या टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ डॉक्टर लिखना जरूरी है। लेकिन यहाँ चूंकि पेशेंट लिखे हैं तो पता है ना कि यहाँ पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है, अच्छा तब तो डॉक्टर ही कर रहा होगा, इसलिए यहाँ डॉक्टर लिखने का जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ डॉक्टर लिखने का जरूरत है क्योंकि आप पेशेंट नहीं है, किसी आदमी का नाम लिखा हुआ है। मोहन इज बीइंग बिटन बाय सोहन। अजवत विल परफॉर्म अ डांस। कौन सा टेंस है?
आदित्य, आदित्य नहीं है ना, आदित्य आदित्य सर बता क्या होगा? आदित्य कहाँ से हैं आप? देवघर से सर। देवघर में कहाँ पे घर है? मतलब झारखंड में देवघर। अरे देवघर में कहाँ पे घर है? देवघर में ये कालीबाड़ी। कालीबाड़ी किस तरफ? कालीबाड़ी सर नंदन पार्क जानते हैं? हाँ हाँ उधर ही। अच्छा का तो बिलासी में घर है, बिलासी में। बिलासी जानते हैं? बिलासी यस सर। उधर ही है। बताइए इसका क्या होगा? सर अजावत विल परफॉर्म्ड बाय ए डांस। बाप रे बाप रे बाप रे, क्या था? जगन्नाथ, जगन्नाथ। हाँ सर। बताइए इसका क्या होगा? तो कौन से टाइम से बताइएगा सर? हाँ कौन से टाइम? कौन पूछ रहे हैं? एक मिनट सर। नहीं कौन पूछ रहे हैं आप? कौन है, नाम क्या आपका? सर जगन्नाथ बोल रहे थे। अच्छा जगन्नाथ बोल रहे हैं। ये कौन सा टेंस है ये हमको बताना पड़ेगा? हाँ सर थोड़ा टेंस में कमजोर है सर। अजवत विल परफॉर्म ए डांस, ये कौन सा टेंस है? और सर हम डेली डेली क्लास में नहीं रहते सर, बीच बीच में आते फिर भी ये आपको पता नहीं होगा। आप अजवत विल परफॉर्म डांस का मतलब क्या हुआ हिंदी में? उसका क्या मतलब हुआ? अजवत डांस कर परफॉर्म कर रहा है। डांस में परफॉर्म करेगा करेगा तो करेगा तो क्या हुआ? ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस हुआ। शैल भी लगता है ना फ्यूचर में। इसका क्या कैसे बनेगा इसका? मृत्युंजय कौन है? मृत्युंजय सर मैं आए, सर मैं आए। योर नेम सर? सर कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, नाम क्या आपका? जॉन। जॉन डांस विल परफॉर्म बाय अजवत। अच्छा बोलिए। डांस विल परफॉर्म बाय अजवत। डांस यस सर विल बी परफॉर्म बाय अजवत। अजवत सही है। सही है ना ये? आपको लग रहा है ये सही है? जॉन यस सर ये सही है ना आपके हिसाब से? सही है ये? यस सर। एक बार इसको पढ़िए एक बार फिर से। अजवत विल परफॉर्म अ डांस। तो डांस इज परफॉर्मिंग बाय अजवत। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, ये कहा गया ये? अच्छा
ए डांस ये होगा ना, इसको कुछ भी छोड़ नहीं सकते ना। ओके सर। और यहाँ और जानते हैं ग्रामर तो इतना खतरनाक चीज है ना, ग्रामर ग्रामर में अगर आप यहाँ ये फुल स्टॉप नहीं डालेंगे ना तो पूरा मार्क्स कट जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ जैसे ये जो जितना भी लिख रहे हैं ना हम सब गलत है, किसी में फुल स्टॉप ही नहीं डाले। हाँ मतलब टेक्निकली सब गलत है, सब में फुल स्टॉप डालना है, नहीं तो फिर खत्म कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस। यस सर। फुल स्टॉप कॉमा ये सब तो डालना जरूरी है ना। ओके सर। तो मतलब इसमें कोई भी चीज, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये, इसका हर मतलब ए हो या द हो या फ्यू हो सम हो सब कुछ वो सबको लेना है, मतलब ऐसा नहीं कुछ छोड़ देना है। ए डांस विल बी परफॉर्म्ड बाय अजवत। ए डांस मतलब क्या हुआ बताइए तो, एक डांस नहीं हुआ उसका मतलब, उसका मतलब हुआ एक प्रकार का डांस। हाँ ए टाइप ऑफ डांस, एक तरह का डांस वो परफॉर्म करेगा। ठीक है ठीक है, ये हो गया। आज को मार्ग नहीं हट, खाली प्ले और सिंग ही मेरे दिमाग में आता है। एग्जाम्पल का जहां बात करते हैं ना, खाली प्ले सिंग डांस यही सब आता है, या फिर पीटने का बात आ जाता है दिमाग में। ये देखिए सोहन इज बीटिंग मोहन, कुछ आता ही नहीं, क्या करें। राजकुमार हेड या कुछ खरीदने का ही बात आ जाता है, बॉट का बात आ जाता है, परचेज का बात आ जाता है। राजकुमार हेड इसको भी खेलवा ही देते हैं, प्लेड बॉल, राजकुमार हैड प्लेड फुटबॉल, इसका कैसे बनेगा और कैसे बनेगा और बनाएंगे इसका बॉल। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय राजकुमार, आपसे पूछे। नो सर। जोर बोल रहे हैं। यस सर। सब नहीं बोलना आपको। ओके सर आई वाज नॉट नोइंग, अगले बार से नहीं। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय राजकुमार नंबर 14। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, ये बताएंगे प्रभात। बताइए प्रभात, क्या बोले? It is requested to open the door. It is requested. आप मुझे बोल रहे हैं कि सर प्लीज ओपन द डोर, कोई किसी को बोल रहा है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोल रहा है प्लीज ओपन द डोर, तो जो है आपका कैसे तब स्टार्टिंग कैसे होगा, इट से नहीं स्टार्ट होगा। और कोई बोल पाएंगे सर यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यही होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, द डोर
is to be opened. The door is to be opened. नहीं वो तो नहीं होगा. रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, प्लीज बोल रहे हैं उसको, तो रिक्वेस्टेड तो लिखना ही पड़ेगा. सिंपली है इसका, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. बस खाली टू लिख देना है, प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड, या काइंडली अगर होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद सिर्फ टू, उसके बाद फिर बाकी वाला ये ओपन द डोर. वैसे ही शट अप, कौन बोल रहा है? सीनियर टू जूनियर, ठीक है. सीनियर जो है वो जूनियर को बोल रहा है शट अप. तो कैसे होगा इसका? अच्छा कोई और छूट रहा है क्या, जिसका नाम नहीं ले रहे हम, कोई छूट रहा है क्या? विकास सर दो है, विकास करके पढ़ाया, आवाज नहीं आ रही प्रभात. विकास सर, सर ये मेरा आज मेरा सर न्यू फर्स्ट क्लास है सर हमको. अच्छा पहला फर्स्ट क्लास है. अर्पित भी नहीं बोल रहा, अर्पित कुमार, अर्पित कुमार, अर्पित, अर्पित अर्पित. यस सर बताइए इसका क्या होगा. सीनियर जो है वो जूनियर को बोल रहा है ये शट अप. यू आर रिक्वेस्टेड टू शट अप. आप अपने रिक्वेस्ट करके बोलेगा शट अप, शट अप रिक्वेस्ट कर रहा है वो, शट अप गुस्सा से बोल रहा है. कुछ गलत किया जूनियर, हाँ जूनियर कुछ गलत किया है और वो अपने सीनियर के ऊपर फिर भी चढ़ रहा है. सर यू यू ऑर्डर टू सेट अप, यू आर ऑर्डर टू सेट अप, यही होगा. कौन बोले अभी? शशि बोल रहे सर. शशि ठीक है. अब जो है हेल्प द पुअर क्या है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है? रिक्वेस्ट सर, एडवाइस है, एडवाइस एडवाइस है. तो पूनम कुमारी बोलिए क्या होगा इसका, ये एडवाइस है. मार्टिना नहीं है आज क्या? ग्लैडविन नहीं सर, बाहर गई है बंगाल तरफ. बंगाल तरफ गई है सर. हेलो पूनम, नहीं हो पाया पूनम. यू आर एडवाइज advised to help the poor. Okay. मतलब हमको समझना है उसका सेंस को समझना है, इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस को समझना है कि क्या कहना चाह रहा है वो, क्या है वो एडवाइस है कि सजेशन है या वो है रिक्वेस्ट है ऑर्डर है. ऐसे ही
यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्या हुआ इसका मतलब? आपका पहले पेरेंट्स का पेरेंट्स की बात, हाँ अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। ओबे मतलब जो बोले वो बात मानना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा? सुजय नहीं है क्या? सुजय, सुजय बोल नहीं रहा जो है। सुजॉय, प्रभात सर, यू आर सजेस्टेड टू ओबे योर पेरेंट्स। गलत है सर। समय आए नहीं, नहीं यू मस्ट सजेशन है सर। समय आए, एक मिनट एक मिनट, मैं आई वाले कौन है? जॉन, जॉन जॉन आप ही तो बोल रहे तब से। बोले सर, नाम लिख देते हैं आपका, बोलिए। लेट योर पेरेंट्स ओबेड बाय यू। लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड बाय यू। मस्ट सर, कैन आई? कौन, नाम आपका? धनी राम। धनी धनी धनी, हाँ। Your parents must be obeyed by you. बस, तब तो मैं बार बार ऐसे मस्ट मस्ट दिखा रहा हूँ लोगों को। Your parents must be obeyed. आई यू भी लिखना जरूरी है, हाँ लिखना जरूरी है। तो कहाँ लिखा गया? By you. Your parents must be obeyed by you. Must है, must लिखा हुआ है। क्या है ये? Model. Auxiliary verb. ठीक है, टाइम अप हो गया। आप लोग को जो वो दिया गया था वो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, जो आप लोग लिखे हैं। चलिए इसको क्या करें, सेव करके रख लें क्या? कर लेते हैं। ये क्या था, हम लोग आज क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्टिव टू पैसिव का एक्सरसाइज कर रहे थे। चलिए फिर विदा लेते हम लोग आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।